दोस्तों, ये है RTSE 400 का डिस्प्ले, एडेप्टिव कंट्रोल मॉडल। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको यूजफुल जानकारी देने वाला हूँ। जो मोड है इसके अंदर आप देखेंगे तो चिलर ऑन या ऑफ है, तो वो बता रहा है। अभी ये चिलर स्टॉप है तो इसके अंदर आपको बता रहा है। ये ऑटो स्विच है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो चिलर चालू हो जाएगा, ये स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। और ये अलार्म है, जो अलार्म को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जितने अलार्म्स आए हुए हैं वो शो करेगा। और अगर आप इसको रिसेट करेंगे तो ये जितने अलार्म्स रिसेट होने के जैसे है वो रिसेट हो जाएंगे। अगर रिसेट होने वाले नहीं हैं, जो मेजर इश्यूज़ है जो रिसेट नहीं हो पाते, मतलब अगर कुछ सेंसर्स है या कुछ ट्रांसड्यूसर्स है या और भी कुछ इश्यूज़ है, तो वो इश्यूज़ को जब तक आप रेक्टिफाई करके सॉल्व नहीं करते तब तक वो अलार्म रिसेट नहीं होगा। और उसके लिए रिसेट करने के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है, जो भी रिसेट सिस्टम है उससे ही करना पड़ेगा। या तो वो स्पेयर पार्ट्स बदली करने के बाद नॉर्मल सिस्टम के अंदर है तो नॉर्मल आप एडेप्टिव कंट्रोल से उसको आप रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसके बाद दूसरा ऑप्शन है चिलर। चिलर के ऑप्शन में आप देखेंगे तो इवेपरेटर लिविंग वाटर टेम्परेचर ये है कितना, 11°C। अभी ये चिलर बंद है इसके लिए 11°C बता रहा है। एंटरिंग वाटर है कितना, 11.1°C। ठीक है, एक्टिव चिल वाटर सेट पॉइंट, इसका सेट पॉइंट कितना है, 8°C रखा हुआ है। ठीक है, और ये इसका एक्टिव करंट लिमिट सेट पॉइंट है 110%। ये आउटडोर एयर टेम्परेचर है 36.6°C। और ये हिस्टोरिक डायग्नोस्टिक्स है जिसके अंदर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक कौन सा अलार्म आया, कौन सी डेट में, कौन से टाइम में अलार्म आया, कौन से सिस्टम के अंदर कौन सा कंप्रेसर है, वो सब आपको इसके अंदर डिटेल में मिल जाएगा। तो आपको देखना है तो हिस्टोरिक डायग्नोसिस में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्रेसर, यह है कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर देखेंगे तो ये चार कंप्रेसर है, RTSE 400 के अंदर चार कंप्रेसर आता है। एक सिस्टम के अंदर दो कंप्रेसर है जिसको नंबर दिया हुआ है 1A और 1B, दूसरे सिस्टम में आता है 2A 2B। तो हम 1A को देखेंगे तो 1A के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप है, ये L1 L2 L3 का एम्स दिखा रहा है जो चालू होने के बाद यहाँ पे शो करेगा। फिर परसेंटेज दिखाएगा L1 L2 L3 RLA, वो चालू होने के बाद ही दिखाएगा, बंद में आपको नहीं शो करेगा। यूनिट वोल्ट है, जो इसका वोल्टेज है यूनिट का 410 वोल्ट AC वो आपको शो कर रहा है। उसके बाद ऑयल टेम्परेचर है, अभी ये बंद है इसके लिए 35.9°C में ऑयल टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पे एम्बिएंट कम है इसकी वजह से ये इतना शो कर रहा है। उसके बाद इंटरमीडिएट ऑयल प्रेशर, जो ऑयल प्रेशर का जो ये है वो उसका 340 KPAG, KPAG मतलब किलो पास्कल है। तो अगर ये PSIG में आपको करना है तो आपको डिवाइडेड बाय 6.9 करेंगे तो आपको ये PSIG में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सक्शन प्रेशर है 337 KPAG, तो ये भी किलो पास्कल, मतलब इसका जो यूनिट है, यूनिट अगर आप टेम्परेचर का देखेंगे तो सेल्सियस में है और प्रेशर का देखेंगे तो किलो पास्कल के अंदर है। तो किलो पास्कल को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं PSIG में तो आपको पता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, तो आपको प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये कंप्रेसर का स्टार्ट आवर्स है और रन आवर्स है, कितने बार स्टार्ट हो गया अभी तक और कितना आवर्स चला है, ये इसका ये आवर्स दिखा रहा है। उसके बाद 1B के अंदर भी सेम है। हाँ, और एक बात है, अगर इसके अंदर ये जो भी डैश डैश आया है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर का इशू है, इसके वजह से ये डैश डैश दिखा रहा है, तो इसका ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर ख़राब है, तो हमको ऑयल टेम्परेचर सेंसर बदली करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेफ्रिजरेंट का, तो इसके अंदर सर्किट वन के लिए एक सिस्टम के लिए आपको दो कंप्रेसर का प्रेशर एक साथ दिखाता है। जो कंडेंसर रेफ्रिजरेशन प्रेशर है वो 587 KPAG है और सैचुरेटेड कंडेंसर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है 26°C। इवेपरेटर रेफ्रिजरेशन प्रेशर मतलब है सक्शन प्रेशर है और ये डिस्चार्ज प्रेशर है। ठीक है, ये 337 KPAG है। और उसके बाद सैचुरेटेड इवेपरेटर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है 11.7 और ये इवेपरेटर अप्रोच टेम्परेचर जब वो चालू हो जाएगा तब आपको शो करेगा। रेफ्रिजरेंट लिक्विड लेवल जो है 23 mm में दिखा रहा है। ठीक है,
तो आपको ये रीडिंग आपको डेली लेने हैं और इसके इस बेसिस के ऊपर आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अब नॉर्मल चीज़ है। तो आप जब तक रीडिंग नहीं लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट के अंदर आप देखेंगे तो दो एरो है, ये आप अगर एरो क्लिक करते तो डायरेक्ट सीधा पेज नीचे चला जाएगा, स्किप हो जाएगा। और अगर आप इसको सिंगल वाले को करेंगे तो एक एक लाइन नीचे चले जाएगी, मतलब स्किप होते जाएगी, ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपको पता है कि मुझे सीधा एक पेज स्किप करना है तो सीधा इसको प्रेस कीजिए तो नीचे चले जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। तो ये है आपका रिमोट और ऑटो लोकल का जो ये है वो दिखा रहा है, लोकल में अभी है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट पैनल चिल्ड वाटर सेट पॉइंट, मतलब हमारा जो चिलर का सेट पॉइंट है वो अगर आपको सेट पॉइंट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसका सेट पॉइंट है 8°C, अगर आपको चेंज करना है तो उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा इस तरह से या अप करना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद आप इसको एंटर कर दीजिए, तो एंटर करने से क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। ये देखिए अभी ये 8.1 आ गया, पहले 8 था अभी 8.1 आ गया। उसके बाद फ्रंट पैनल करंट लिमिट सेट पॉइंट है 110°, इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो इसको अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जो इसको 8.1 किया था मैं वापस 8 कर रहा हूँ जो इसका पहले से था हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको देखने जाएंगे तो अगर आपको लॉकआउट करना है एक सर्किट को, अगर वन सर्किट को लॉकआउट करना है तो आप इसके अंदर जाके ऑप्शन आता है नॉट लॉकआउट और लॉकआउट, अगर आप इसको ऐसा इस तरह से करेंगे तो आप इसको लॉकआउट कर सकते हैं। जो इसके पहले से इसको लॉकआउट किया हुआ है इसके लिए हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और ये सर्किट वन में अगर आपने इसको अंदर जाके, इसके अंदर जाके सेटिंग में जाके आपने लॉकआउट किया है तो सीधा दो कंप्रेसर लॉकआउट हो जाए, दो कंप्रेसर लॉकआउट हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर 1A कंप्रेसर 1B। और ये सर्किट 2 को अगर आप लॉकआउट या अनलॉक करते हैं तो 2A और 2B लॉक होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इंडिविजुअल लॉकआउट करना है, कंप्रेसर को ही लॉकआउट करना है, ये तो सिस्टम का लॉकआउट हो गया। अगर आपको कंप्रेसर को लॉकआउट करना है तो सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर ऐप के थ्रू आपको वो कंप्रेसर को भी आप लॉकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिसेबल अनेबल करने के बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम्स है, जो ये देखिए ये आपका को टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए डेड बैंड है, और ये देखिए कंप्रेसर वन पंप डाउन करने के लिए ऑप्शंस यहाँ पे है, ये देखिए ये एक्सपेंशन वाल ओपन अवेलेबल, ये सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये डेट वगैरह आपको चेंज करनी है, ये देखिए मंथ डेट साल आवर्स, अगर आपको इसके अंदर 12 आवर्स और 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट चेंज करना है तो इधर से चेंज कर सकते हैं, इधर से टाइम चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर है। अगर आपको इसके अंदर फारेनहाइट और सेल्सियस में चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, प्रेशर PSIG और KPAG को चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मेरे वीडियो को देखते रहे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके।